नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा सिंह लग्न के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न शुभ होते हैं, कौन कौन से रत्न पहनना इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, सिंह लग्न के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न शुभ परिणाम देते हैं, कौन कौन से रत्न इन लोगों को पहनने चाहिए। दोस्तों, किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अपनी कुंडली किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत रत्न पहनने से कई बार फायदे की जगह बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कोई भी रत्न जब पहना जाता है तो सबसे पहले उससे संबंधित जो ग्रह है उसकी कुंडली में क्या पोजीशन है, क्या उसका असर है, क्या उसका बल है, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद ही किसी रत्न को प्रिस्क्राइब किया जाता है पहनने के लिए। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक विज्ञान है और इसके पीछे बहुत सारे सिद्धांत काम करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए। जो ग्रह कुंडली में नीच होकर बैठे हैं उन ग्रहों का रत्न नहीं पहनना चाहिए। छठे, आठवें, बारहवें भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनका भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। छठे, आठवें, बारहवें भाव के जो स्वामी हैं उनका भी रत्न नहीं पहनना चाहिए, चाहे इनके स्वामी कुंडली में किसी भी घर में बैठे हों और कैसे ही हों, मतलब चाहे उचके ही क्यों ना हों। अब मान लीजिए छठे घर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि छठा घर क्या होता है। छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है। और मान लीजिए किसी ने छठे घर के स्वामी का रत्न पहन लिया तो क्या होता है, उससे जातक के ऊपर कर्जा चढ़ता है, वह बीमार रहने लगता है और उसको शत्रु भी परेशान करने लगते हैं और दिन प्रतिदिन उसके शत्रु बढ़ते जाते हैं। जो ग्रह कुंडली में मारक ग्रह बन रहे हैं उन ग्रहों के रत्न भी नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, सिंह लग्न के लिए जो अनुकूल ग्रह हैं वो हैं सूर्य, मंगल और बुध। तो सूर्य का जो रत्न है माणिक है, मंगल का मूंगा है और बुध का पन्ना है। कभी कभी हीरा भी पहना जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अब एक एक करके रत्नों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले माणिक के बारे में बात करते हैं। माणिक सूर्य का रत्न है और इस लग्न में सूर्य लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी हैं, इसलिए ये जो रत्न है ये स्वास्थ्य को, हेल्थ को और आयु को बढ़ाने वाला और उसकी रक्षा करने वाला होता है। ये रत्न जो है धन बढ़ाने वाला भी होता है और रोग या दुर्घटना के समय रक्षा करने वाला भी हो सकता है। माणिक रत्न इस लग्न में शुभ श्रेणी में आता है। माणिक में मूंगे के गुण भी रहने से यह राजयोग और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला भी होता है। अब बात करते हैं पन्ने के बारे में। पन्ना बुध का रत्न है और सिंह लग्न में बुध दूसरे भाव के स्वामी हैं, मतलब धनेश हैं, और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं, मतलब लाभेश हैं। और जो बुध है यह सूर्य का मित्र भी है, इसलिए ये जो रत्न है इन लोगों के लिए शुभ है। लेकिन अगर बुध का संबंध गुलिक के राशिश या नवांशेष से बन रहा है तो ऐसी स्थिति में पन्ना नहीं पहनना चाहिए। बात करते हैं मूंगे के बारे में। मूंगा मंगल का रत्न है
मंगल सिंह लग्न में चौथे भाव के स्वामी है और नौवे भाव के स्वामी है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने की वजह से ये योग कारक ग्रह है सिंह लग्न वालों के लिए। और इस दृष्टि से देखें तो मूंगा बहुत ही शुभ होता है इस लग्न के लोगों के लिए। अब मंगल मान लीजिए कुंडली के पहले भाव में है, चौथे भाव में है, छठे भाव में है, नौवे भाव में है, ग्यारहवें भाव में है, तो मूंगा पहनने से कुछ ना कुछ शुभ परिणाम भी मिलते हैं। अब बात करते हैं हीरे के बारे में। कई बार इस लग्न के लोगों को हीरा पहनने की भी सलाह दी जाती है। तो जो हीरा है ये शुक्र का रत्न है और इस लग्न में शुक्र तीसरे और दसवें घर के मालिक हैं। तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से ये जो रत्न हीरा ये शरीर में कुछ ना कुछ विकार पैदा कर सकता है, लेकिन दसवें घर के स्वामी होने की वजह से व्यवसाय के लिए शुभ होता है। और दसवें घर के स्वामी होने की वजह से ये मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए भी शुभ रत्न है। लेकिन सिंह लग्न वालों को हीरा कभी भी अकेले नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अकेले पहनने से हीरा अच्छे फल नहीं देता। शुक्र अपनी राशि में है, अपनी उच्च की राशि में है, या शुक्र शनि की राशियों में है जैसे मकर में, कुंभ में, तो हीरा शुभ फल दे सकता है। अब बात करते हैं उपरत्नों की। कई बार आर्थिक स्थिति की वजह से महंगे रत्न नहीं खरीदे जा सकते, तो ऐसी स्थिति में उपरत्न पहने जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर उपरत्न किसी अंगूठी में बनवाया हुआ है तो उसको 2 या 3 साल के बाद बदल देना चाहिए। तो माणिक के स्थान पर क्या पहन सकते हैं? माणिक के स्थान पर लाल लड़ी, लाल गार्नेट, लाल तुरमली पहन सकते हैं। मूंगे के स्थान पर लाल हकीक पहन सकते हैं। पन्ने के स्थान पर हरा ओनेक्स पेरीडोट पहन सकते हैं और हीरे के स्थान पर सफ़ेद झरकन पहन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सिंह लग्न के जातकों के लिए जो भी रत्न शुभ हैं उसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।